नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी किचन में आपका स्वागत है और मैं हूं शेफ चंदन। आज बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए उत्तराखंड की एक रेसिपी, भटू के डुबुक। तो दोस्तों यह है पहाड़ी भट, इसको इंग्लिश में ब्लैक बीन्स भी बोलते हैं। इसको ओवरनाइट मैंने भिगो दिया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको पीसूंगा। पीसूंगाटर में भट को लीजिए और इसको इस तरीके से पीस लीजिएगा। आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा चावल भी पीस दूंगा और आप चाहे तो इसमें पिसा हुआ आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चावल डालूंगा। और चावल को भी पीस दूंगा मैं सिलपट्टे में। तो फ्रेंड्स, भट को इस तरह से पीस लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लीजिएगा। 1 चम्मच डालिए इसमें जखिया, चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा भून लीजिएगा। अब डालिए इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट रखा है, इसको भी डाल दीजिएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनते रहिए। 2-3 इसमें साबुत मिर्च भी डाल दीजिएगा। इसमें डलेगा 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक और चॉप किया हुआ टमाटर। डालिए इसमें पानी और मसाला को भून लीजिएगा 2 से 3 मिनट रख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है। अब मैं डालूंगा इसमें जो पिसा हुआ भट है, इसको पूरा इसमें डाल दूंगा और भट को ना इस कढ़ाई में मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगा 5 से 7 मिनट, जिससे कि जो भट का ना वो स्मेल, अच्छी स्मेल ना आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मैं भून चुका है। अब इसमें मैं डालूंगा पानी। पानी डाल के इस तरह से बन चुका है। अब इसमें मैं कम से कम इसको पकाऊंगा 1 घंटे के लिए हल्की सी आंच में। जब तक भट का डुबुक बनता है तब तक मैं इसके लिए बना लेता हूँ चावल। 1 घंटा हल्की आंच में पकने के बाद भट के जो डुबके हैं इस तरीके से बन चुका है दोस्तों। जैसे कि ये जो पहाड़ी भट है, इसका हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट, इसमें लॉट्स ऑफ मिनरल्स हैं और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये लगभग बन चुका है। इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा मैं हरा धनिया, देख सकते हैं आप। घर पर मेरी माँ इसको अक्सर बनाती थी, मेरा पसंदीदा, बहुत पसंदीदा डिश है ये, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं करूँगा प्लेटिंग। ये है गर्मा गर्म भात डाला मैंने थाली में। ये भट के डुबके बढ़िया अरोमा टेस्चर आ रहा है इसमें, देख सकते हैं आप। यह है पहाड़ी ककड़ी का रायता। बढ़िया लजीज बना है। खीरा और प्याज 1 चम्मच डाल दीजिएगा इसमें। देसी घी, तो फ्रेंड्स आपने अपने परिवार के साथ पहाड़ी भट के डुबके और भात का। हाँ दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।